वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स एलटी भर्ती को लेकर बड़ी खबर उच्चतम न्यायालय की ओर से निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि एलटी के कैंडिडेट दिन रात धरने पर शिक्षा निदेशालय में जुटे हुए थे, अपने आंदोलन में, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। चलिए जो न्यायालय ने बड़ी खबर दी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 78% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक कैसे पहुंचेंगी। चलिए बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। तो क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि तीन विषय छोड़कर अन्य की नियम नियुक्ति से रोक हटा दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर यहां पर थोड़ा सा पंगा हुआ था, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन और सब्जेक्ट की जो डीबी की लिस्ट आ गई है उनकी डीबी अब यहां पर होके रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में कि इसमें मैटर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जैसे कि आपको पता है कि हाईकोर्ट में कल बहुत बड़ा दिन था एलटी जो कैंडिडेट थे उनके लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है आदेश देना था। क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर एलटी के आर्ट्स के लेकर तो रोक थी ही, उसके अलावा अदर सब्जेक्ट में जो डीबी था उस पे ऊपर भी जो है यहाँ पर रोक लगी थी, क्योंकि क्वेश्चंस को लेकर जो है काफ़ी समस्याएं थी। तो यहाँ पर अब जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया अधीनस्थ चयन आयोग को वो ये है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है। यानी कि जो तीन बड़ी जो सब्जेक्ट थे यानी कि एलटी हिंदी, उसके अलावा सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है, जबकि अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों को नियुक्ति पर रोक हटाते हुए हाईकोर्ट ने जो है अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है। यानी कि अब 18 जुलाई को फाइनली डिसीजन हो जाएगा कि जो और कैंडिडेट हैं उनके डीबी का रास्ता जो है साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर राहत की खबर हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जो है ये जो है डिसीजन लिया। तो जो सबसे बड़ा मामला ये था कि टिहरी गढ़वाल के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है 24 अन्य याचिकाएं यहाँ पर दायर की थी, जिसके अनुसार 13 अक्टूबर 2021 को एलटी के 1431 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस को लेकर अनियमितताएं पाई गई थी उसको लेकर यहाँ पर रोक लगाई थी। तो सोचिए पूरा उत्तराखंड लगभग भर्तियाँ कोर्ट में जाती हैं और इसकी वानगी यहाँ पर आपको दिखाई देती है कि डीबी होने के लिए भी जो है स्टेट लगा दिया जाता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है एलटी की जो कैंडिडेट हैं जो कि लगातार धरना शिक्षा निदेशालय में दे रहे हैं, लगातार हम कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी 18 जुलाई को फाइनल वर्डिक्ट आना है जहां पर सभी सब्जेक्ट्स को लेकर स्पेशली जो तीन ऊपर के सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जो विषय में डीवी आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार और है, लगभग 20-25 दिन के आसपास तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दो और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।